बड़वानी जिले के सिलावत नगर में डंपर चालक की लापरवाही से सिलावत के विद्युत सब स्टेशन में बिजली उपकरण को नुकसान पहुंचा है। साथ ही 26 गांव में बिजली प्रदाय ठप पड़ी हुई है। बिजली के 14 पोल टूट कर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विद्युत विभाग के अफसरों ने मौके पर मुआयना कर नुकसान का जायजा लिया है। जिला बड़वानी सिलावत में बीती रात एक डंपर चालक की लापरवाही से सिलावत के विद्युत सब स्टेशन के लाखों रुपये के बिजली उपकरण को नुकसान पहुँचा है। साथ ही 26 गांव में बिजली प्रदाय ठप पड़ा हुआ है। डंपर चालक ने लापरवाही के वाहन चलाकर ग्रिड में जुड़े बिजली के तारों को वाहन की चपेट में ले लिया। सुबह से विद्युत विभाग की टीम लाइन दुरुस्त करने में लगी है। विद्युत विभाग के बड़वानी सेंधवा और पलसुद के अफसरों ने भी मौके का मुआयना कर नुकसान का जायजा लिया है। अफसरों ने इस मामले में आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस थाने में FIR कराकर नुकसान की वसूली की बात कही है। इस घटना में करीब 3 से 4 लाख का नुकसान होने की बात विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि विभाग नुकसानी का आकलन लगा रहा है। घटना के बाद से वाहन चालक फरार है। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। क्या नाम है? SK पाटिल, अधीक्षण यंत्री बड़वानी व्रत। आज रात्रि में सिलावत उपकेंद्र के पास में किसी अज्ञात रेत ट्राले ने जो है हमारे यहाँ से सब स्टेशन से जो घरेलू फीडर और सिंचाई फीडर जो निकले हुए हैं उस फीडर में जो है ना अपने उसके ट्राले का जो बूम शायद अटका दिया, उसके कारण जो है सारे फीडरों के पोल टूट गए और सारा विद्युत प्रदाय बाधित हुआ है। ये घटना रात के लगभग 3:30 बजे के आसपास हुई है और उस समय हमारा उपकेंद्र ऑपरेटर ड्यूटी पर था, परंतु चूंकि विद्युत प्रदाय बंद हो जाने से चारों ओर अंधेरा था तो वो उसको डंपर को देख नहीं पाया है। ये तार टूट जाने से लगभग घरेलू फीडर के हमारे यहाँ से लेके आधा किलोमीटर तक सारे खंभे टूट गए हैं, तार जमीन पर बिखरे पड़े हैं और लगभग 26 गांव का विद्युत प्रदाय अभी भी बंद है। इसी प्रकार 2 सिंचाई फीडर भी बंद है, इससे सिंचाई कनेक्शन भी बाधित हुए हैं, उनका विद्युत प्रदाय। सब स्टेशन में जो एक स्टेशन ट्रांसफार्मर जो हमारा लगा रहता है उसके भी 2 पोल टूट गए हैं, जिसको कि अभी तत्काल बदलने का काम चल रहा है। ये स्टेशन ट्रांसफार्मर जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम अपना उपकेंद्र का विद्युत प्रदाय बहाल नहीं कर पाएंगे। कितना नुकसान हुआ है सर? अभी प्राकलन बनाया जा रहा है। प्राकलन के आधार पर पुलिस में सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का हमें नुकसान पहुँचा है उससे राशि वसूलने की हम कार्रवाई करेंगे। अनुमानित क्या होगा सर, कितना नुकसान हुआ होगा? अनुमानित 3-4 लाख रुपये का तो नुकसान प्राथमिक तौर पर मुझे दिखाई दे रहा है। नुकसान की भरपाई तो हो सकता है सामने वाला कर दे, परंतु हमारे विद्युत उपभोक्ताओं को रात के 3 बजे से विद्युत प्रदाय से वंचित होना पड़ा, ये सबसे बड़ा हमारा नुकसान है। जी, थैंक यू। हम कोशिश में लगे हैं कि बहुत जल्द से जल्द घरेलू फीडर का विद्युत प्रदाय हम बहाल कर दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।